दिया है ना, लेकिन इस कांड को नाम सुंदर दिया है ना। इसको हनुमान कांड दे सकते थे या फिर समुद्र कांड दे सकते थे, कुछ भी दे सकते, लंका कांड दे सकते थे, नहीं दिया ना। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये सार है, ये जो है रामायण का सार है, इसेंस है, इसलिए सबसे सुंदर है। क्या सुंदर है इसके अंदर? जो जीव भगवान से विमुख होकर कुछ ना कारण से दूर, भगवान से दूर हो गया और उसको लग रहा है कि वहाँ पर वो सुखी रहेगा, लेकिन वहाँ पर वो सबसे दुखी है। वैसे दुखी जीव को एक्चुअली सुख तभी मिलेगा जब वो भगवान के साथ पुनः जुड़ेगा, और वो जोड़ने का कार्य ये सुंदरकांड करता है, और इसलिए ये सबसे सुंदर है, इसलिए इसका नाम ही सुंदरकांड रखा गया। थोड़ी देर पहले जस्ट एक विचार मेरे मन में आया था कि अभी जब ये सुंदरकांड चालू होगा ना, तो हनुमान जी जंप करेंगे इधर से, और कई बाधा आएंगे हनुमान जी की जर्नी में। जंप लगाने के पहले से उनकी बाधाएँ चालू होती है ना, और फिर जब उड़ के भी जाएंगे आकाश मार्ग से, तो बीच में भी 3-4 बाधाएं अलग अलग प्रकार की आएगी उनको रोकने के लिए। फिर भी उन सब बाधाओं को पार कर कर वो जाएंगे, और उधर भी बहुत सारी चीज़ें होगी लंका में, सीता मैया की खोज कर कर वापस आएंगे। तो एक जर्नी हुआ था हनुमान जी का जिसमें इतनी सब बाधा थी, और इसके पहले भी एक जर्नी हुआ था जिसमें कोई बाधा नहीं आई, किया था सीता मैया ने रावण के साथ, आकाश मार्ग से गए पुष्पक विमान में बैठकर। एक तरह से यदि देखा जाए तो कोई बाधा नहीं आई, रावण उनको पकड़ा था आकाश मार्ग से गए थे, कोई किसकी हिम्मत बीच में आने की कोई बीच में नहीं आया, रावण डायरेक्ट लेके उधर लैंड है ना। जटाई तो पहले जो समुद्र से लांग के उधर जाना है, पंछी थे बराबर ना, हमको लगा रहा है कि हैप्पी जर्नी, मतलब वो सीता मैया ने पुष्पक विमान में बैठ के किया ना, बीच में कुछ नहीं आया है ना। और हनुमान का जर्नी मतलब आया, कितनी बाधा है बीच बीच में, हैप्पी जर्नी नहीं होगा ये है ना। लेकिन वो सीता मैया के जर्नी में जिधर कोई भी बाधा नहीं आई, वो उसके लिए मोस्ट मिजरेबल जर्नी था, क्योंकि वो राम से दूर दूर की ओर जर्नी थी, रावण के साथ की जर्नी थी। कुछ भी वजह नहीं आ रहा, रावण ने क्यों पकड़ के लेके गया सीता मैया को, क्यों शूर्पणखा ने ऐसा बोला कि ऐसा ऐसा है कि भाई मैं तो आपके लिए ये करने गई थी, वो इतनी अच्छी है, आप वो इतनी खूबसूरत है कि वो आपकी रानी होनी चाहिए। वो तो रावण को बहलाया, वहाँ तक ठीक है, लेकिन उसके बोलने से थोड़ी ना सीता को हरण तुरंत होता था। जब एक्चुअली पंचवटी में वो सुवर्ण मृगों को देखा सीता ने, सोने का हिरण, तो उसको लगा कि अरे तो मुझे चाहिए है ना, कितना सुंदर है, ऐसा हिरण तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, सोने का सुवर्ण मृग, उसका नाम ही सुवर्ण, भगवान स्वयं उसके बाजू में है, आप सोचो। और भगवान को छोड़कर आप किसी और चीज़ की इच्छा करते हो, समझ रहे, सार उसका हुआ है। तो भगवान बोल रहे अरे मैं इधर हूँ, जैसे वो यशोदा मैया कृष्ण को दूध पिला रही है और वो अंदर वाला दूध उबल रहा है, तो कृष्ण को बाजू में छोड़कर वो अंदर का दूध रखने के लिए जाते हैं, तो कृष्ण को गुस्सा आता है ना, सब बटके फोड़ देंगे। वैसे ही इधर अभी वो माँ के ऊपर गुस्सा कर सकता है, लेकिन राम इधर पत्नी के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकते। तो बोलते ठीक है मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। तो अभी वो एक सुवर्ण मुर्ग के लिए उसका रावण ने हरण कर लिया, और उसको जाकर किधर रखा, लंका में, जो पूरी सोने की बनी हुई है, सोने की लंका, पूरी लंका ही सोने की, इधर तो थोड़ा केवल हिरण था, उधर पूरी लंका सोने की थी, सोचो तो कितना आनंद होना चाहिए। ऊपर से ऊपर जहाँ पर रखा लंका पे जाकर, 2-4 जगह पे रखा, लेकिन अंतिम पड़ाव में जिधर रखा उसका नाम क्या था, अशोक वाटिका। अशोक वाटिका, अशोक वाटिका मतलब क्या, शोक, मतलब जहाँ पर कोई शोक नहीं है, नाम ही उसका अशोक है, लेकिन पूर्ण रूप से वो शोक में थी वहाँ पर, क्यों, क्योंकि वहाँ पर राम नहीं थे।
तो हो सकता है बाहर से हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, वो किसी ने एकदम है ना घर का नाम भी शांति निकेतन रख दिया, शांति गार्डन में, शांति धाम में सब ले लिया, लेकिन शांति मिली क्या है ना, पत्नी का नाम भी बदल कर शांति रख दिया लेकिन शांति मिली क्या। जैसे अशोक वाटिका में रहने के बाद भी सुख नहीं था, वहाँ पर शोक ही शोक था। तो इसलिए ये सुंदर कांड है कि ऐसे जीव को जिसको लगता है कि यहाँ पर मैं खुश हो जाऊँगा, आनंद से रह पाऊँगा, मजा करेंगे, ऐसे शोक भरे इससे निकालने के लिए, माया के पूरे जंगल से निकालने के लिए ही एक्चुअली हनुमान जर्नी कर रहे हैं। और ऐसे जीवों को छोड़कर पुनः भगवान के साथ मिलन उनका करने का ही उद्देश्य इसका है, इसलिए ये सुंदर कांड है, सुंदर है। अभी एक्चुअली जब जंप लगाएंगे और बीच बीच में जो बात आएगी उसका बाद में मैं भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं, बट ये सुंदर कांड वहाँ पर सीता की खोज करते हैं, रिटर्न आते हैं वहाँ पर, रिटर्न आने के बाद जब मैसेज मिलता है तो इनकी वानर सेना फिर निकलती है वहाँ पर, सुंदर कांड खत्म। फिर कौन सा काम चांड होगा चालू होगा, युद्ध कांड। युद्धकांड में अभी तक सेना इसी ओर है इंडिया की तरफ, उधर से विभीषण निकलते हैं रावण का साथ छोड़कर और भगवान को शरणागत होते हैं, भगवान को शरणागत होकर भगवान उनको स्वीकार करते हैं, और फिर राम सेतु बनता है, क्रॉस कर कर वो साइड में जाते हैं, कुंभकर्ण इंद्रजीत रावण का वध होता है, सीता मैया को पुनः लेते हैं और वापस अयोध्या आते हैं, और वापस अयोध्या आकर राम का राज्याभिषेक होता है, ये सब युद्धकांड में आता है एंड में। और फिर उसके बाद का जो स्टोरी है वो उत्तरकांड में आता है कि उसके बाद पुनः सब लोग बोलते हैं तो सीता को पुनः वनवास में भेजते हैं, वहाँ पर वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहती है, वहाँ पर उसको दो पुत्र होते हैं लवकुश, और फिर लवकुश की स्टोरी के साथ ये सब उत्तर रामायण या फिर उत्तरकांड उसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से रामायण में 24,000 श्लोक है, कितने श्लोक है 24,000 और सात कांड उसको बोलते हैं, सात कांड है। सबसे पहला बाल कांड, उसके बाद अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य कांड, उसके बाद सुंदर कांड किष्किंधा कांड, फिर पांचवा सुंदर कांड, छठवा युद्ध कांड, बराबर सब लोग ठीक है ना।